वेलकम टू टुडेस वीडियो क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बच्चों के स्पेशल डिमांड पे ही ये सेशन हम लोग बना रहे हैं। इसका नाम है 50 डे स्टडी प्लान फॉर एनडीए 2024। जैसा कि तुम सबको पता है, जितने भी बच्चे एनडीए का फॉर्म भर चुके हैं उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि आज से ठीक 50 दिन के बाद तुम लोगों का एनडीए 2024 का पेपर होने वाला है। अब इन दिनों में बच्चे थोड़े से तो रिलैक्स हैं और कुछ उसमें से टेंस्ड हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दिन और नजदीक आएंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेंशन लेने वाले हैं और वो यही पूछेंगे कि सर अब आप कुछ ऐसा बता दो जिससे कि इस बार तो हमारा एग्जाम बिल्कुल ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि तुमको बहुत ज्यादा दिन तक वेट करने की जरूरत नहीं है, ये आखिरी के जो 50 दिन है इनमें हम अपने स्कोर को स्पेसिफिकली मैथ्स के अंदर में किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि हमें यह पता है कि यूपीएससी ने इन दिनों में अपने पेपर का जो लेवल है उसको बहुत बेहतरीन बना दिया। तो बच्चे जब अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हैं, प्रीवियस ईयर का मतलब है यहां पे 2023 का पेपर देख रहे हो फर्स्ट सेकेंड, 2024 का पहला पेपर और 2022 के फर्स्ट सेकेंड पेपर को, और उसको जब वो कंपेयर करते हैं अपने पुराने पेपर्स के साथ 2006, 2007, 2008, तो वहां पे एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये जो डिफरेंस है ये लेवल ऑफ क्वेश्चन के ऊपर में, पहले कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते थे कि तुमने फॉर्मूला पढ़ लिया, थोड़े से कंसेप्ट जान ली, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली और तुम पेपर में गए और तुम्हें वही क्वेश्चंस, और कई बार तो पेपर में क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते थे। बट इन दिनों में जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न देखा गया है, पेपर में क्वेश्चंस की रिपीटेशन बिल्कुल ही जीरो हो गई, और वो वाले चैप्टर्स जिनको हम प्रिपेयर करके जाते थे ये कह के कि ये तो काफी इजी चैप्टर है, इसके तो क्वेश्चन मैं जरूर कर लूंगा, उन चैप्टर्स को यूपीएससी ने बिल्कुल ही साइड कर दिया। अब यहां पे मैं 2-3 चैप्टर्स के नाम बता देता हूं जहां से इन दिनों में क्वेश्चंस बहुत ही कम देखे गए हैं या फिर जीरो देखे गए हैं। जैसे पिछले पेपर में बाइनरी नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था, उससे पिछले वाले पेपर में एक क्वेश्चन शायद आया था, और उससे पिछले वाले में फिर अगेन बाइनरी नंबर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ये वो चैप्टर होता था जिसको बच्चा प्रिपेयर कर लेता था और सोचता था कि चल भाई कुछ नहीं तो एक दो क्वेश्चन इसी के कर लूंगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जहां पे उम्मीद रहती थी वो होती थी सेट थ्योरी का वेन डायग्राम सेक्शन। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कई बार बच्चों के पकड़ में आ जाते थे और ये सिंगल क्वेश्चन जो होता था इसके 4-5 पार्ट्स बने होते थे, तो बच्चे इस उम्मीद से चले जाते थे कि चलो कुछ नहीं होगा तो मैं इसके क्वेश्चन करते आ जाऊंगा, तो लास्ट 2 बार से यूपीएससी ने इसके क्वेश्चन भी देने बंद कर दिए। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि पेपर में सेक्शन वाइज वो क्या कर रहा है, टफनेस लेवल को बढ़ा रहा है। जैसे पिछले के पिछले पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का जो लेवल था वो काफी बढ़िया क्वेश्चंस दिए थे, बच्चों को उसमें दिक्कत आई थी, और इस बार अगर हम आखिरी पेपर की बात करें जो अभी हुआ है अप्रैल में, उसमें कैलकुलस का लेवल बहुत अच्छा था। तो बच्चे जब पेपर्स करने बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने जो पढ़ाई की हुई है प्लस टू के अंदर में, जो सीबीएसई में हमने पढ़ा हुआ है, उसका कोई डायरेक्ट रेलिवेंस उनको पेपर के अंदर में देखने को स्ट्रेट अवे नहीं मिलता है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो इन सब चक्करों में बच्चे को प्रॉब्लम होने लगती है और वो ये सोचता है कि अब हम ऐसा क्या करें इन आखिरी 50 दिन में कि मेरे सारे चैप्टर्स भी ढंग से हो जाएं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी करके आ सकूं और मुझे मेहनत भी थोड़ी कम करनी पड़े। तो देखो इन सब का जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन जो भी बातें मैं यहां पे इस वीडियो के अंदर में बोलने वाला हूं उन्हें तुम्हें बहुत सिंसियरली और बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं इन पॉइंट्स को यहां पे हाईलाइट करते हुए जाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर तुम चाहते हो कि इन 50 दिन के बाद जो तुम्हारा 51st डे हो उस दिन तुम्हारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाए, और खासकर मैथ्स के पेपर से निकलने के बाद तुम सबको ये कह सको कि मैंने मेहनत जितनी की थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि तुम अपना एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल बना लो। अब मैं ये बहुत अच्छी तरह से और दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्राइम रीजन मुझे देखने को मिला है, क्योंकि मैं यहां पे बच्चों के साथ घिरे रहता हूं, कम से कम 100-150-200 बच्चे मेरे से यहां पे हर दिन पढ़ रहे हैं, तो उन सब में जो एक कॉमन चीज मैंने देखी है वो यही है कि उनका स्क्रीन टाइम आई होप सबको समझ में आ रही होगी ये बात, मोबाइल का यूसेज जो है वो इन दिनों में बहुत ज्यादा हो गया।
वो हर जगह से जो भी नॉलेज मिल रहा है उसको गैदर करने में लग गए हैं। उन्हें थ्री इडियट्स मूवी की एक बात, शायद वो डायलॉग उनके दिमाग में घर कर गई है कि ज्ञान जहां भी मिल रहा है फ्री में मिल रहा है, बस बटोर लो। बस ये बात ध्यान रखना कि ये बात मूवी में जो कही गई थी तो उसका मतलब कुछ और था, और यहां पे जब तुम एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो तो उसका मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तुम स्क्रीन टाइम के अंदर में घुस के जब आधे घंटे की वीडियो देखते हो तो तुम्हारा माइंड, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारे बॉडी का हर पार्ट दर्द से भर जाता है। तुम्हें सीखने को उसके अंदर क्या मिलता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और सिंसियरली कोई भी बच्चा आधे घंटे तक वो देख ही नहीं रहा होता कि उसमें क्या हो रहा है, वो उसके अंदर बाकी चीजें जो बाकी नोटिफिकेशन आने लगती हैं या उसका दिमाग कहीं और चले जाता है वो उसके अंदर घुस जाता है। तो तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारा जो सिस्टमेटिक टाइम टेबल बने उसमें स्क्रीन टाइम को जो कि अभी बढ़ा हुआ है उसको तुमको बिल्कुल नीचे लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसको जीरो कर दो, तुम उसको देखो, लेकिन तुम उसके अंदर अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हें नॉलेज बुक्स के अलावा और टीचर के अलावा कहीं और से नहीं मिलेगी, और वो भी अगर तुम ऑफलाइन से जुड़े हुए हो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्क्रीन टाइम कम होता हुआ जाएगा। तो सिस्टमैटिक टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप नंबर वन यही है कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। तुम्हारे उठने और सोने का टाइम ये सबसे पहले फिक्स करो। तुम अगर कोई फिक्स टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे जब मैं बच्चों को पूछता हूं कि तुम रात में कितने देर तक पढ़ते हो तो बच्चे कहते हैं सर मैं तो कल रात भर सोया ही नहीं, मैं तो पढ़ता ही रह गया। कुछ बच्चे बोलते हैं सर दो तीन तो बज ही जाते हैं। लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज बहुत अच्छे से समझा दूं कि लेट नाइट स्टडी करने वाले अधिकतर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। मैं इसका रीजन भी बता दूंगा और इसको साइंटिफिकली प्रूव भी कर दूंगा कि व्हाई लेट नाइट स्टडी इज नॉट बेनिफिशियल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक एनडीए सीडीएस, इस तरह के एग्जाम्स को जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लेट नाइट स्टडी वाला फंडा जो है वो यहां पे बिल्कुल काम नहीं करता है। तुम अगर मान लो सीबीएसई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें तुम लेट नाइट स्टडी कर रहे हो तो वो कुछ हद तक, वो मैं टोटली एग्री नहीं करूंगा कि वो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ हद तक वो ठीक है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम डिमांड करता है कि तुम मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से बिल्कुल अलर्ट रह सको। अगर तुम्हारा मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस को बढ़ाना है तो तुम्हें अपने सोने का टाइम जो है वो फिक्स करना पड़ेगा, और लेट नाइट स्टडी तो तुम आज से बिल्कुल बंद कर। लेट नाइट स्टडी जो भी बच्चे कर रहे हैं उनको तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि ये चीज तुम टोटली बंद करो। तो तुम बोलोगे सर फिर पढ़ाई कब करें, तो तुम्हारे लिए पढ़ने का जो बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग का ही होता है, क्योंकि कभी तुमने अगर पढ़ाई की होगी मॉर्निंग में, या अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड को तुमने देखा होगा जो कि सो कॉल्ड बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, अगर तुम उससे ये पूछोगे कि मॉर्निंग में पढ़ना ज्यादा अच्छा है या इवनिंग में या नाइट में, तो वो तुमको हमेशा सजेस्ट करेगा। इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम जो होता है वो आइडियली नई चीजों को सीखने का टाइम होता है, और उस समय अगर तुम पढ़ाई करते हो तो वो तुम्हारे मेमोरी के अंदर में ज्यादा जाता है, तुम्हारी ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। लेट नाइट स्टडी के जगह अगर नाइट में सोने से पहले तुम सिर्फ रिविजन पर्पज से पढ़ाई कर रहे हो, जैसे हो सकता है मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो फॉर्मूला की रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं करते। वो सही बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस कराओ क्वेश्चन कराओ, सर ये आएगा वो आएगा। अरे भैया तू फॉर्मूला तो पहले रट, आराम से उसको समझ, उसकी रिविजन की तूने। तुम क्वेश्चन करने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला की ही जरूरत पड़ेगी, पहले फॉर्मूला फिर कंसेप्ट फिर मेथड। अगर तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो तुम कंसेप्ट और मेथड का क्या डाल रहे हो। तो सबसे पहली जरूरी चीज अपने सोने और उठने का टाइम को ठीक उल्टा करो। मॉर्निंग में तुमको कोशिश करना है कि तुम 5 बजे तक उठ चुके हो और मॉर्निंग 5 to 7 तुम पढ़ाई में लगा दो, और इस समय तुम अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो या नई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता मैथ्स के लिए। नाइट का टाइम रखो, नाइट में तुम रख सकते हो 10:30 to 11, ये वो टाइम होगा जब तुम पूरे दिन भर में जो भी तुमने पढ़ाई की है, और अगर मैथ्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं तो तुमने फॉर्मूला का नोटबुक तो बनाया ही होगा जो मैंने तुम लोगों को बोला था स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में, तो उसकी रिवीजन के लिए रखो 10:30 to 11, क्योंकि नाइट में जब तुम फॉर्मूला रिवाइज करके सोते हो तो वो फॉर्मूला तुम्हारे सबकॉन्सियस माइंड में रहता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि रात में जब तुम फॉर्मूला को अपने दिमाग में भर के सोओगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो सबकॉन्सियस माइंड में बार बार रिपीट होगा और ना चाहते हुए भी वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर में फिक्स हो जाएगा।
तो मॉर्निंग का टाइम हो गया प्रैक्टिस ऑफ न्यू क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स 5 to 7, और नाइट में अपने सोने का टाइम कुछ इस तरह से बनाओ कि एटलीस्ट तुम्हें 6, 7, 8, ये मैं 3 वैल्यूज दे रहा हूं, ये नंबर ऑफ आवर्स ऑफ योर स्लीप टाइम बता रहा हूं। तो इतने घंटे की स्लीप अगर तुम नहीं रख रहे हो और बेतहाशा पागलों की तरह पढ़ाई कर रहे हो तो नोवेयर, यू आर नोवेयर इन द कंपटीशन इटसेल्फ, तुम कंपटीशन में ही नहीं हो, क्योंकि जो बच्चे ये बात जानते हैं उन्होंने अपना टाइम टेबल बिल्कुल सही बनाया हुआ है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है जो कि तुम्हें फॉलो करना है वो है कि अपने फूड हैबिट्स को सही करो। कुछ बच्चे इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और ये मैं अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे आसपास जो बच्चे दिखते हैं वो लंच ब्रेक में चिप्स खा रहे होते हैं, नाइट में कुछ फास्ट फूड खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चाउमीन खा लिया, तो इस तरह के काम में अगर तुम इंडल्ज हो रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम अपने बॉडी को हेल्दी फूड दे ही नहीं रहे हो। अगर तुम अपने बॉडी को हेल्दी फूड टाइमली नहीं दोगे तो बॉडी का पूरा कनेक्शन जो होता है वो माइंड के साथ होता है और माइंड के थ्रू ही तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर तुमने इनपुट ही गलत ले लिया तो ऑब्वियसली बात है कि माइंड के थ्रू जो आउटपुट तुम्हें मिलने वाला है वो बहुत ही बेकार मिलने वाला है। ब्रेकफास्ट ऐसा रखो कि तुम्हें ये कहा जाता है इंग्लिश में कहावत है कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल किंग साइज होना चाहिए और रात का जो डिनर होना चाहिए वो बिल्कुल बेगर की तरह होना चाहिए, और मैं इस बात को मानता हूं, जबकि यहां उल्टा होता है। यहां पे बच्चे आ जाते हैं क्लास करने के लिए, उनको पूछा जाता है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाया, वो बोलते हैं सर कुछ नहीं, सर अभी जाके चाय पी लूंगा, बिस्किट खा लूंगा, सर चिप्स लेके आया हूं अभी खा लूंगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें अवॉइड करनी है, क्योंकि तुम्हारा हेल्दी लाइफस्टाइल ही तुम्हें एक प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकता है पढ़ाई के थ्रू। अब बात करते हैं तीसरा, क्योंकि ये सारी बातें तो हो गई तुम्हारे बॉडी से रिलेटेड, अब होती है पढ़ाई से रिलेटेड बातें। ये देखो कि तुम्हारे पास में सारे चैप्टर्स के वेटेज वाइज क्वेश्चंस का डेटा बना हुआ है या नहीं। जैसे अगर मैं एनडीएमएस की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे पेपर में इन दिनों में 15 से 20 क्वेश्चन कैरी कर रहा है। मैं इस बात को यहां थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं सो दैट जब तुम लास्ट 50 डेज में अपनी स्ट्रेटेजी ड्रॉ कर रहे हो तो पहले ये देख लो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रिगो से समवेयर अराउंड तुमको मिल जाएंगे 15 से 20 क्वेश्चन। उसके बाद आता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 2D और 3D से मिलके बना है। अगर मैं इसकी बात करूं स्पेसिफिकली तो 2D से समवेयर अराउंड 10 टू 12 क्वेश्चन और 3D से भी इक्विवेलेंट 10 टू 12 क्वेश्चन आते हैं। मतलब तुम ये मान के चल सकते हो कि कोऑर्डिनेट तुमको 20 से 25 क्वेश्चन देगा ही देगा। उसके बाद आती है बारी कैलकुलस। कैलकुलस बच्चों का उतना बढ़िया नहीं होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस फिर भी कुछ हद तक ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्लस टू में जाते हैं इंटीग्रेशन की तरफ तो ये सेक्शन उनका थोड़ा कमजोर रह जाता है। और ये तुम्हें मान के चलना है कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि लिमिट्स कंटिन्यूटी डेरिवेटिव और उसके एप्लीकेशन को लेके बना है उससे तुम्हारे पेपर में करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं और ये कई बार वेरी भी कर जाता है। और इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है वो तुमको अराउंड 10 क्वेश्चंस देता है जिसमें दोनों तरह के इंटीग्रेशन अलोंग विद एरिया अंडर द कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है। तो इसका भी वेटेज अगर मैं देखूं तो ये भी 20 से 25 क्वेश्चन दे रहा है। अब बाकी जो एरिया रह गया वो होता है तुम्हारा एलजेब्रा जिसके अंदर तुम्हारे रेस्ट ओवर टॉपिक्स होते हैं, तो अगर तुम इनकी ही काउंटिंग कर लो तो हाफ ऑफ द पेपर तो इसी में निकल गया है। तो बाकी जो 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन बचे हैं 50 to 55 क्वेश्चन ये वो एलजेब्रा वाला एरिया कवर करता है। और इसमें मोस्टली जो चैप्टर्स होते हैं ये वो वाले चैप्टर्स होते हैं जिनको तुम्हें टारगेट करना है। अगर मान लो तुम्हारा कैलकुलस एक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो तुम उसको एक बहुत ज्यादा अच्छा बना भी नहीं सकते आखिरी के 50 दिनों में। तुम सिर्फ उसमें ये देख सकते हो कि तुमको लिमिट्स कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव ये तीनों सेगमेंट जो होते हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर तुमको डेरिवेटिव करना ढंग से आता है तो लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इजीली निकल जाएंगे बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, और इसी का एप्लीकेशन कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में भी तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा डेरिवेटिव अच्छा है तो एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी तुम आराम से कर सकते हो। तो मेक श्योर करो कि तुमको डेरिवेटिव्स करना आता हो। इवन इंटीग्रेशन में भी तुम कुछ क्वेश्चंस को विथ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ओनली। और डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर होगा जहां पे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों का एप्लीकेशन यूज होता है। तो कैलकुलस के अंदर में तो मैं सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं
उनको स्टडी करो, उनके सॉल्यूशन को देखो और मेक श्योर कर लो कि एटलीस्ट तुम डेरिवेटिव्स को अपना पक्का करके जाओगे, क्योंकि इसकी मदद से तुम्हारे 4-5 टॉपिक्स कैलकुलस के अंदर इजीली कवर हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। मैं ये मानता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर एक बच्चे का अच्छा हो सकता है अगर वो फिगर्स को इमेजिन कर सकता है, क्योंकि हम सभी में ये एक आदत होती है कि जब कोई हमें कोई चीज बोलता है तो हम उसको फिगर वाइज इमेजिन करते हैं। जैसे अगर मैं अभी यहां पे बोलूं बंदर, या मैं बोलूं एक ट्री, मैं बोलूं एक घर, तो तुम्हारे दिमाग में इनके स्पेलिंग नहीं आएंगे, इनका फिगर सबसे पहले आएगा। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी बच्चे का बुरा हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट योर 2D एंड 3D फिगर्स, जिसमें से बेसिकली तुमको स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, इनके साथ में डील करना पड़ता है। और अगर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करूं तो उसमें तुम्हारा मेन टॉपिक हो जाता है वेक्टर, स्ट्रेट लाइन, प्लेन एंड स्फीयर। तो इनके इक्वेशन और इनके फॉर्म्स को लेके क्वेश्चंस आते हैं और पेपर में इसका वेटेज अच्छा खासा होता है। तो जिन्होंने भी 11th क्लास में ढंग से पढ़ाई की है उनको 2D का कंसेप्ट एटलीस्ट करके जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पेपर में मैंने इन दिनों में देखा है कि 2D के जो क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमेशा ही बहुत ही सिंपल लेवल पे क्वेश्चंस पूछता है। तुम्हें उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि तुम अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना उन्हीं को बहुत अच्छे से कर लो, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी अगर तुम ढंग से कर लोगे तो उसके अंदर ये एक इकलौता सेगमेंट होता है जहां पे क्वेश्चंस थोड़े से रिपीटेड फॉर्मेट में आते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को कभी लीव करके मत जाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको तुम आराम से कैप्चर कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो अधिकतर बच्चा स्टार्टिंग में यही आके बोलता है कि सर मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला ही याद नहीं होते। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर तुम अपना ट्रिग्नोमेट्री बेहतर करना चाहते हो तो फॉर्मूला को पहले मास्टरी करो, क्योंकि जो तुम्हारा पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे तुम्हारे पेपर में 7-8 क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हारा बेसिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज है। इसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास जो तुमने 11th क्लास में पढ़े थे और इवन 10th क्लास को भी टच करता हुआ क्वेश्चन वो इन दिनों पेपर में दे रहा है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, इनके क्वेश्चंस तुमको पेपर में देखने को मिलेंगे। खासकर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और पेपर कुछ इस लेवल का होता है कि वो तुम्हारा सब कुछ चेक कर लेता है कि तुमने बेसिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के ऊपर में ढंग से काम किया है कि नहीं। सबसे पहली चीज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आना चाहिए। दूसरी चीज तुमको क्वाड्रेंट कंसेप्ट के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। तीसरी चीज तुम्हें जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो देखो तुमको रटना ही है, फॉर्मूला को तुम स्किप नहीं कर सकते। तुम्हें शॉर्टकट बताए जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर शॉर्टकट होते हैं, लेकिन उन शॉर्टकट को समझने के लिए भी तुम्हें फॉर्मूलाज, जो तुम्हारा साइन ए प्लस माइनस बी है, टेन ए प्लस माइनस बी है, कॉट ए प्लस माइनस बी है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, इंपॉर्टेंट वैल्यूज कुछ होते हैं उनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इस बार का अगर मैं कहूं तो काफी सिंपल था, लेकिन उससे पिछले बार के क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के थे। तो ये जरूर देखना कि तुम जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को तुम बना रहे हो। यहां पे मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छा करना चाहते हो तो अलोंग विथ दिस प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी तो कुछ खास हेल्प नहीं करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तुम्हारा क्लियर कराएगा, बट इसके अलावा तुम एक काम और कर सकते हो, आरएस अग्रवाल बुक जो आती है एनडीए के मैथ्स की, वो काफी अच्छी बुक है, उसमें अच्छे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो तुम उनमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यूज तुम्हें बनाने पड़ेंगे इफ यू वांट टू मेक योर ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग। सबसे आखिरी में मैं एक बार एलजेब्रा के बारे में जरूर बात करूंगा। एलजेब्रा के टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत बटे हुए टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बाइनरी नंबर बोला था वो टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं ये अभी कंफर्म नहीं। लोगारिथम्स वो टॉपिक है जो कि तुम्हें वो क्वेश्चन देगा, इस बार लोगारिथम से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, लेकिन उसका एप्लीकेशन तुमको हर जगह देखने को मिलेगा। अगर तुम लिमिट्स के क्वेश्चन कर रहे हो, डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर रहे हो, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हो, फंक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उन सब जगह में तुम्हें लॉगरिथम का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो ये एक सिंगल टॉपिक काफी अच्छे से करके जाना है। क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स, ये दोनों टॉपिक किसी भी हाल में तुम्हें करके जाना है। मैं ये मान नहीं सकता कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे तो क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। तो ये वो दो टॉपिक्स हैं जिससे 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में देखे जाते हैं, तो डेफिनेट है कि ये टॉपिक तुम्हें आना चाहिए। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज,
ये इजी टॉपिक में आता है क्योंकि इसमें एपी का कंसेप्ट तुमने टेंथ में पढ़ा था, बदले में तुमको जीपी का कंसेप्ट एक मिलता है और थोड़ा बहुत एचपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक अगेन चैप्टर है जिससे 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आना ही आना है और अगेन इसका एप्लीकेशन तुम्हें बाकी चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। अब बच जाते हैं 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में देखे जाते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, दूसरे नंबर पे स्टैटिस्टिक्स और तीसरे नंबर पे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको जो बच्चा 12वीं में नहीं पढ़ाई किया है, 11वीं ही पढ़ा है, तो अगर वो ये 3 टॉपिक्स कर ले तो उसको पेपर में कुल मिला के इन तीनों टॉपिक से 25 क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स अकेले 10 से 12 क्वेश्चन खींच लेता है और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के अंदर तुम लगा लो कि 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो जो बच्चा बिल्कुल ही 0 प्रिपरेशन में है, अगर वो इन 3 चैप्टर्स को कर गया अलोंग विथ क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, तो मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन उसके कहीं नहीं गए हैं। वो आराम से 40 क्वेश्चन करके अपना मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर सकता है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि अपने आप को मैथ्स में एक बहुत बेहतरीन नहीं समझते हैं। मैं इन चैप्टर्स को एक बार यहां हाईलाइट कर देता हूं जिनके मैंने बात की है। ये उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स एक बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं है, लेकिन साथ में ये भी एड ऑन करना चाहूंगा कि इसको सिलेक्टिव स्टडी बोलते हैं। सिलेक्टिव स्टडी तुम तब करते हो जब तुम्हें कोई होप नहीं रहता है। बट अगर तुम पढ़ाई में ठीक ठाक हो, मैथ्स तुम्हें समझ में आती है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि तुम सिर्फ इन चैप्टर्स को करके जाओ। हाँ, इन चैप्टर्स में तुम इंपॉर्टेंस जरूर देना। ये चैप्टर्स मैंने जो बोले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट नंबर होता है सीक्वेंस एंड सीरीज का, और उसके बाद मैंने 2 नाम और यहां पे ऐड करने हैं। एक हो गया प्रोबेबिलिटी, 5वें नंबर पे स्टैटिस्टिक्स, और एक और टॉपिक है जो मैंने अभी जस्ट बोला था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मेक श्योर कि तुम इनमें से किसी भी टॉपिक को लिव आउट करके जा ही नहीं सकते। एक टाइम के लिए तुम कैलकुलस पूरा छोड़ सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी मिले हैं मुझे जिन्होंने पेपर क्लियर कर लिया, उनको पूछा जाए कैलकुलस, बोला सर मैंने किया ही नहीं था, बट उन्होंने फिर इन टॉपिक्स के ऊपर में अच्छा खासा अध्ययन किया था, अच्छी खासी पढ़ाई की थी। वेटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये टॉपिक मिला के 10 to 12 क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे पेपर में, ये एप्लीकेशन मिला के 5 to 6 क्वेश्चन खींच लेगा। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स कोई भी पेपर उठा के देख लो, 10 to 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और मैट्रिसेस के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूं, 8 to 12 क्वेश्चन ये कैरी करता है। तो अगर मैं सबको यहीं पे ऐड कर दूं तो यहीं पे कुछ 40 to 45 क्वेश्चन इन 5-6 टॉपिक से ही आ जा रहे हैं। मतलब बच्चे को अगर गिव अप करने का मन कर रहा है तो गिव अप करने से पहले वो एक बार ये सोच ले कि अगर मैं इन टॉपिक्स को कर लूं किसी भी तरह से तो मैं एग्जाम को तो क्लियर कर लूंगा, मेरा मैथ्स की वजह से पेपर नहीं रुकेगा। तो ये सारी चीजों को तुम्हें फॉलो करना है। अगर मैं इसको एक रिकैप मार दूं जल्दी से, तो सबसे पहले मैंने बोला था अपना सिस्टमैटिक टाइम टेबल बनाओ, और उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम कम से कम हो। दूसरा मैंने तुम लोगों को बोला था अपना ईटिंग हैबिट एंड स्लीपिंग हैबिट को बढ़िया करो, क्योंकि तुम्हारे हेल्दी माइंड की फंक्शनिंग के लिए तुम बॉडी के अंदर में जो इनपुट ले रहे हो एज फूड वो बहुत जरूरी है। तीसरी चीज मैंने तुम लोगों को सिलेबस बताया है यहां पे और कुछ चैप्टर्स के वेटेज बताए हैं, ये देखते हुए कि लेटेस्ट पेपर किस तरह से क्वेश्चंस को कैरी ऑन कर रहा है और किस तरह से क्वेश्चंस का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल दे रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ तरीके यहां पे तुम लोग को बताए हैं हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। तो इन सब बातों को फॉलो करते हुए अगर तुम प्रिपरेशन करते हो इन आखिरी 50 दिनों में, तो ये पॉसिबल है कि तुम आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बाकी किसी भी गाइडेंस के लिए हम यहां बैठे हुए हैं @Cavalier Institute। तुम कभी भी यहां पे आके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो या हमसे मिलके हम ये डिस्कस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप सारे लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वर्किंग हार्ड, बट यू शुड बी वर्किंग हार्ड इन राइट डायरेक्शन विथ राइट माइंडसेट एंड विथ राइट अप्रोच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।